हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सनाली और आज ये मैंने जो लुक क्रिएट किया है इसको न्यूड लुक कहते हैं। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है, आप लोग जानना चाहते हैं कैसे क्रिएट किया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर रोज़ हिप बायोटिक नहीं गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया मैंने फेस पर अपने मैंने अपने फेस पे टोनर अप्लाई किया और उसको अच्छे से सूखने दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। ये मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। सो मैंने उसके बाद अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। देन उसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी मैं अपने फेस को। देन उसके बाद मैंने गुड वाइब्स का ही सीरम रोज़ हिप सीरम यूज़ किया। गाइज़ ये बहुत अच्छा सीरम है और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी तो ऑयली स्किन ही है बट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है ये, मतलब एकदम ज़्यादा ऑयली नहीं मालूम पड़ता है। काफ़ी अच्छा सीरम है ये। मैंने ये सीरम यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने अपने फेस को 1 सेकेंड के लिए और थोड़ा हम अपने फेस को छोड़ेंगे। उसके बाद मैंने ये NY का प्राइमर यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये भी, ऑयली स्किन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल प्राइमर है ये। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है बट अच्छा प्राइमर है। इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है इससे। इसके बाद मैंने बायोटिक का लिप बाम लगाया अपने लिप्स पे। मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया। मेरा ऑलरेडी मैंने जो मुझे अपने स्किन को पूरा प्रिपेयर करना था फाउंडेशन से पहले, वो सब मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन ना यूज़ करते हुए मैं मूज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मुझे न्यूट लुक करना था तो मैंने फाउंडेशन नहीं यूज़ किया, लिक्विड फाउंडेशन नहीं यूज़ किया, मैंने मूज फाउंडेशन यूज़ किया मैंने अपने फेस पर। और उसके बाद मैं ये स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी टैबिंग मोशन में। मैंने इसको अच्छे से पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया मूज़ फाउंडेशन को। मूज़ फाउंडेशन देखा जाए तो ऑयली स्किन के लिए भी ठीक रहता है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए भी। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लैक्मे का कंसीलर यूज़ किया है। इसको मैं अपने आईज़ पे और आईज़ के नीचे यूज़ करूँगी। इसको भी मैं स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पर मैंने इसको दोनों आईज की कंसीलर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का मैबलिन का कॉम्पैक है पूरे अपने फाउंडेशन को, मूज फाउंडेशन को, और देन मैं कंसीलर को यहाँ पर सेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए, थोड़ा केकी जैसा ना लगे या एकदम से छोटा छोटा सा या फटा फटा सा ना लगे। तो मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको पूरा अच्छे से फेस पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर लिया। मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद में शुगर की ब्लशर, हाइलाइटर और ब्रॉन्ज़र वाली जो पैलेट है उसी से मैं जो ब्रॉन्ज़र था मैंने उसी से अपने आईज पर अप्लाई किया। उसका कलर जो था लाइट ब्राउन टाइप में था थोड़ा, तो वो मैंने अपनी दोनों आईज़ पे अप्लाई किया क्योंकि मुझे न्यूड लुक क्रिएट करना था। तो मुझे ये कलर ज़रा अच्छा लगा ब्रॉन्जिंग करने के लिए, जो ब्रॉन्जिंग का था शेड अच्छा लगा, तो मैंने दोनों आईज़ पे फ्लफी ब्रश से दोनों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया अपनी आईज़ पे। देन उसके बाद ये मैंने मेबलिन की द सिटी मिनी पैलेट करके है, उसमें से थोड़ा सा एक लाइट कलर लिया थोड़ा ही और उसको उसके ऊपर अप्लाई किया, अच्छे से ब्लेंड किया मैंने। उसके बाद मैंने उसी में से एक पीच कलर था हल्का सा, उसको मैंने थोड़ा सा लगाया। उसके बाद मैंने उसमें से थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर वी पे अप्लाई किया, ओनली आउटर वी। फिर मैंने यहाँ पर जो मैंने एक खाली फ्लफी ब्रश लिया जिसमें कोई आई शेड नहीं था, मैंने सिर्फ उसको उससे ब्लेंड किया। आईज़ मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको ब्लेंड करा। जब मेरा पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं हार्श लाइन दिख रही है या थोड़ा सा कहीं छोटा छोटा सा लग रहा है, वैसा नहीं दिखा, तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा जो हाइलाइटर था मैंने हाइलाइटर यूज़ किया मैबलिन का रोज़ गोल्ड, सिर्फ मैंने अपने आईलाइट पे इस पर अप्लाई किया फिंगर की हेल्प से, सिर्फ आईलाइट पे इसको अप्लाई किया।
देन उसके बाद मैंने एक फ़ैन ब्रश से इसको अच्छे से सेट किया। जब ये पूरी आईलेट पे सेट हो गया उसके बाद मैं एक ब्रश से फिर थोड़ा डार्क कलर ब्राउन जो था मेरा ऊपर साइड पे जो मैंने आपने लगाया था इसके ऊपर उसको अच्छे से और मिक्स कर लिया ताकि दोनों कलर मिक्स हो जाएं आपस में। उसके बाद मैंने जो इसी मेबलिन की सिटी मिनी सिटी पैलेट जो थी उसी में एक ब्रश था छोटा सा, तो मैंने उसी ब्रश की हेल्प से अपने लो लैश लाइन पे स्टार्ट किया। मैंने पहले लाइट कलर लगाया फिर देन मैंने थोड़ा सा डार्क किया उसको, लो लैश लाइन का मेकअप किया। आई मेकअप मतलब कंप्लीट हो गया था मेरा तकरीबन यहाँ पे। फिर मैंने उसी ब्रश से पीछे उसमें स्पंज टाइप का दिया था स्मच करने के लिए, तो मैंने उसी से स्पंज भी कर लिया, मतलब पूरा अच्छे से फैला लिया उसको, अच्छे से हो गया। देन मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ अपने फेस की। यहाँ पर मैंने वही शुगर की पैलेट से ब्रॉन्जिंग की अपने फेस की, चिक की, जॉ लाइन की। मैंने मुझे न्यूड लुक गाइस क्रिएट करना था इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग ये सब नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ मैंने ब्रॉन्जिंग की और जॉ लाइन की बस। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लशर लगा रही हूँ, उसी पैलेट में से मैं ब्लशर लगा रही हूँ गाइस। ये बहुत अच्छी शुगर की पैलेट है, इसमें तीन शेड आते हैं, मतलब तीन शेड आते हैं लेकिन मतलब एक ही पैलेट में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ब्लशर भी मिल जाता है, हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्रॉन्जर भी मिल जाता है, और आप ब्रॉन्जर को एज अ आई शेड भी यूज़ कर सकते हो। मेरा यहाँ पे ब्लशर भी लगा लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है ये मैंने यूज़ किया, अपने चिक्स को हाईलाइट किया, देन अपनी नोज़ को हाईलाइट किया, लिप्स के पास। यहाँ पे थोड़ा मेरा फोरहेड पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो मैंने उसको हाथ से ठीक किया, देन इसको ब्रो बोन पे मैंने हाईलाइट किया। काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, रोज़ गोल्ड हाइलाइटर बहुत प्यारा लगता है मुझे, पिंक कलर के हाइलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। देन यहाँ पर मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, अच्छा मस्कारा है ये, और नायका पे इसका मेबलिन में कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते ही रहते हैं, तो काफ़ी कम में 30% 40% डिस्काउंट में मिल जाता है ये मस्कारा। वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छा मस्कारा है, एक दो स्ट्रोक में आईलैशेस एकदम उठ कर आती हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट करना था अपने फेस को, तो मैंने यहाँ पर निक्स का एलिमिनेटर हाइलाइटर यूज़ करा, लिक्विड है ये, काफ़ी अच्छा है, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको, लेकिन अच्छा लगा मुझे आज ये। आप इसको एज अ बेस बना के फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लू काजल यूज़ किया है अपने आँखों में, अपने आईज़ के अंदर मैंने यहाँ पर काजल ब्लू कलर का लगाया, देन मैंने उसको थोड़ा सा नीचे ऐसे लगा दिया था ताकि थोड़ा सा वो इसी के साथ मिक्स लगे। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का स्विस ब्यूटी का, काफ़ी अच्छा है ये, एकदम चुपता भी नहीं है आँखों में, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ही मेकअप फिक्सर यूज़ किया है ताकि मेरा पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए, देन मैंने ये स्पंज की हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद ये मैं लॉरियल की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये, थोड़ी महंगी है बट काफ़ी अच्छी है, मतलब इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि हम लोग ने मतलब कुछ लिप्स पे अप्लाई किया है। मतलब कुछ लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको लगाने के बाद होंठ पे एक वेट सा लगता है कि एक वज़न वज़न सा लगता है, लेकिन ये लिपस्टिक गाइज ऐसी लिपस्टिक है जिसको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने अपने लिप्स पे अप्लाई किया, एकदम लाइट वेट और काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी देर तक स्टे करती है आपके लिप्स पे। तो मैंने ये यहाँ पर लॉरियल की यूज़ की है अपने लिप्स पे और काफ़ी अच्छा शेड है ये, एकदम चमक भी नहीं रहा है और एकदम न्यूड भी नहीं है, बट हाँ न्यूड की कैटेगरी में आएगा, काफ़ी अच्छा शेड है। मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था मेकअप। उसके बाद मैंने शुगर का काजल अपने आईज़ के अंदर लगाया। गाइज इसको लगाने से ये होता है कि आपकी आईज़ ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी और दिखती है, तो यहाँ पर मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया था। मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस अप्लाई किए, तो अगर गाइज आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।